क्या समझते हैं पाकिस्तान को क्या चीजें रोक रही हैं कि वो इंडिया के साथ इंगेज ना करे। अगर मुझे टेक्स्ट कर लेते आपके प्राइम मिनिस्टर तो मैं उनको कहता कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप मोदी से कहिए कि हम ट्रांजिट खोल देते हैं, लेकिन हमारे रोडें ठीक नहीं है, आप बना दे रोडें, आई गारंटी यू इंडिया बना देगा, पूरा इन्वेस्ट कर देगा ये बीएनआर रोड विदाउट वो चाइना के कंडीशंस के बगैर, दे विल जस्ट बिल्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड जबरदस्त हाईवे, क्योंकि उनको चाहिए ना ये हाईवे दैट गोज फ्रॉम इंडिया टू ईरान एंड टू सेंट्रल एशिया। और वो ये चोर हैं शहबाज शरीफ साहब और ये वजीर आजम चोर है, इस किस्म की बातें लिखी गई हैं, चोर 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 और तीन मरतबा चोर लिखा, फिर चेरी ब्लॉसम भी लिखा गया है एक पोस्टर के ऊपर, और साथ ही साथ जो है चोरों की हुकूमत नामंजूर ये भी लिखा गया है एक और पोस्टर के ऊपर, यानी चोर चोर के नारे हर तरफ लग रहे हैं अमेरिका के अंदर जो पोस्टर्स लगे हैं उन पोस्टर्स में शहबाज शरीफ के खिलाफ। 70 सालों तक जो है पूरी तरीके से उत्पात मचाते रहना, आतंकवाद फैलाते रहना, बम धमाके करवाते रहना, बेकसूर लोग जिन्होंने कभी पाकिस्तान का कभी बुरा सोचा भी नहीं होगा उन लोगों की जान लेते रहना, और इन सब के बाद भी आज हालत ख़राब है तो गंदा सा मुंह बना करके बोल देना, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल देना कि हम अगर बोलेंगे भारत को सड़क बना दो भारत बना देगा, ये कॉन्फिडेंस जो है ये दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता। मतलब किसी को पहले तकलीफ दो, किसी को परेशान करो, किसी को जो है पूरी तरीके से उसका उत्पीड़न करो, उसके बाद खुद जो है अरे ये तो मेरा भाई, तो मैं तो कहूँगा ये तो कर देगा, ये कॉन्फिडेंस जो है ना कि कहीं से भी हमको भीख मिल जाएगी अपने ऊपर, वो कहता है ना अपने ऊपर एकदम गर्व है कि कुछ ना कुछ तो हम ऐसा कर जाएंगे कि सामने वाला पैसा देने पर मजबूर ही हो जाए, चाहे अपनी मर्जी से दें, चाहे जबरन उसका हम पैर पकड़ लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, पर पैसा बंदा दे के जाएगा, बिना पैसा दिए जाने देंगे, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर ही है। समझते हैं पाकिस्तान को क्या चीजें रोक रही हैं कि वो इंडिया के साथ इंगेज ना करे। इंडिया कह रहा है कि जी जो आपने 370 या 35A पे जो पोजीशन ली है उससे पीछे हट जाएं, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी किसी का क्लाउट नहीं है कि वो पाकिस्तान और भारत को करीब कर सके। सो हाउ डू यू सी कि पाकिस्तान कैसे इससे बाहर निकल सकता है? सो मिसाल के तौर पर ये जो मोदी ने जो प्रपोजल दिया है कि ट्रांजिट राइट्स को फ्री कर दे, राइट, तो ये ट्रांजिट राइट्स बेसिकली पाकिस्तान की तरफ इशारा है। तो इंडिया इज सेइंग कि भाई ट्रांजिट राइट्स अगर आप खोलते ना तो इसमें दोनों मुल्कों का बहुत फायदा होगा। सो वो उस तरह का सोच ही नहीं, बनिए की तरह नहीं सोच रहे, फौजी की तरह सोच रहे, एंड दैट हैज टू चेंज बिकॉज वी लिव इन एन एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड, नॉट इन एन एरा ऑफ वॉर। वो दिन चले गए। सबसे पहले मैं आपको ये बताई दूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और लंदन में उनकी अपने भाई के साथ मुलाकात हुई है, यानी नवाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है उसमें सिर्फ यही डिस्कस नहीं हुआ कि ये हुकूमत अपनी टर्म कंप्लीट करेगी, ये कहा गया है कि ये गवर्नमेंट अपनी टर्म कम्प्लीट करेगी, और इसके साथ साथ खबरें ये भी हैं कि वहाँ पर नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर भी डिस्कशन हुई है। उसमें अब देखिए लोग तो ऐसी ऐसी बातें करें कि हैरानी हो रही थी, बल्कि कोई तो ये भी बात कर रहा था कि अब तो तजिया निगार यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई एक नहीं दो तीन आर्मी चीफ आएंगे। मैंने कहा हैं दो तीन आर्मी चीफ, यानी कि आप ये प्रोसीजर ही कोई चेंज कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो क्योंकि बारियाँ काफ़ी लोगों की, इसकी भी बारी है, इसकी भी है, भाई क्या किया जाए, किसी को 2 महीने के लिए लगा दो, किसी के लिए को 6 महीने के लिए लगा दो, और किसी को फिर जो अगला वज़ीर आज़म बनेगा वो अपनी मर्ज़ी से किसी को जो है वो तवील मुद्दत के लिए लगा देगा। कि हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात है अमरीकी सदर के साथ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात है प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ। अब उस मुलाकात में भी यही सब टॉपिक्स डिस्कस होंगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो सैलाब है और क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से। लेकिन हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के कान में कोई नाम बता दिया जाए, कोई बात कर दी जाए। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको इमरान खान के मुँह से सुननी पड़ जाए। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बिल्कुल अलग सोचते हैं, वो जिन मुल्कों में रहते हैं वो वहाँ की डेमोक्रेसी को देखते हैं, वो जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ के सियासतदानों के किरदार को देखते हैं, उसके मुताबिक वो पाकिस्तान में उस किरदार का आदमी ढूंढते हैं। तो इमरान खान कुछ हद तक उनको नज़र आता है कि ये उसी किरदार का हामिल है जो आलमी सतह के लीडर्स होते हैं या जो उनकी डेमोक्रेसीज हैं बरतानिया और अमेरिका की, उनसे मिलता जुलता है, तो उनको इमरान खान ऑटोमेटिकली पसंद आता है। लेकिन जब वो ऐसे लीडर्स को देखते हैं जो उन मुल्कों में पैसे चोरी कर करके ले जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके ले जाते हैं, या ऐसे लोगों को लीडर बनते हुए देखते हैं जो वहाँ पे आकर अय्याशी करते हैं, पाकिस्तानी वहाँ पे एहतजाज करने पहुँच गए हैं,
मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी, वो आमने सामने आ गए। खासी नारेबाजी हुई है। शहबाज शरीफ का वहाँ जाना और जाकर नवाज शरीफ से मुशावरत करना ओवरसीज पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस मामले के ऊपर काफ़ी एहतजाज किया है। इलेक्शन अगर फौरी तौर पे करवाया गया तो जीतने के कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन इसमें इमरान खान के जो कानों तक ये वाली खबरें पहुंच रही हैं तो ये तो एक छोटा मोटा बम बन के जो है इनके सर पे गिरी होंगी कि जब उन्होंने सुना होगा। अच्छा, ये तो बात ये की जा रही है कि ये हुकूमत टर्म कंप्लीट करेगी, जबकि अभी जो मीटिंग हुई, अभी जो मुलाकात हुई है उसमें तो मैंने कहा है कि मुझे तो कबूल ही नहीं है सब कुछ। इन हालात में अब इसी के साथ मैं ये देख रही थी कि हम तो अपने हालात की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर जो क्वीन साहिबा हैं 10 दिन हो गए, ठीक है, अब इन 10 डेज़ में आपको पता है कि करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। एस्टिमेट ये पहले ही कई साल पहले लगा लिया गया था कि जब ये दिन आएगा तो इतने करोड़ डॉलर का नुकसान होगा, बिलियंस ऑफ मतलब, तो इसके लिए तैयार रहा जाए और यूके इसको बर्दाश्त करेगा वहाँ। तो वो होता है ना कि आप हौसला अफजाई का इनाम देते हैं, तो क्या आप उस तरह की कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं? तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये तजिया करें वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि फ़नी स्टोरी क्रिएट होगी। लिहाजा बड़े बड़े पोस्टर्स शहबाज शरीफ साहब की तारीफ में लग गए हैं, खंभों के ऊपर, रेलिंग्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जगह जगह ये पोस्टर लगा दिए गए हैं और ये पोस्टर लगे रहेंगे शहबाज शरीफ साहब के अक़वामे मुत्तहिदा के इजलास में जाने तक। चेरी ब्लॉसम के बहुत बड़े बड़े पोस्टर, वैसे चेरी ब्लॉसम वालों को खुश होना चाहिए कि उनकी पॉलिश की पाकिस्तान में ही नहीं अमेरिका में भी जो है वो मशहूरी की जा रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी प्रोडक्ट की बग़ैर पैसे लिए जो है वो उसकी मशहूरी कर रहे हैं कि चोर हैं शहबाज शरीफ साहब और ये वज़ीर आज़म चोर है, इस किस्म की बातें लिखी गई हैं, चोर 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 और 3 मरतबा चोर लिखा, फिर चेरी ब्लॉसम भी लिखा गया है एक पोस्टर के ऊपर और साथ ही साथ जो है चोरों की हुकूमत नामंजूर ये भी लिखा गया है एक और पोस्टर के ऊपर, यानी चोर चोर के नारे हर तरफ लग रहे हैं अमेरिका के अंदर जो पोस्टर्स लगे हैं उन पोस्टर्स में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, ये पाकिस्तान की इज्जत करवाई जा रही है। उन तमाम लोगों ने इस बात के ऊपर दबाव डाला और बहुत ज़्यादा दबाव डाला और वो ये बार बार कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब को ये कहने जा रहे हैं कि अब टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं, पाकिस्तानी कौम तैयार हो चुकी है, 4 सूबों में आपकी हुकूमत है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, तो इस्लामाबाद को अगर घेरा डालना पड़े घेरा डालें, धरना देना पड़े धरना दें, लोगों को बुलाना पड़े लोगों को बुलाएं, इस्लामाबाद को बंद करना पड़े बंद करें, लेकिन अब ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते के ऊपर इलेक्शन करवाएं। इकलौता ऐसा देश है जहां पर मेजॉरिटी, जो बहुसंख्यक आबादी है उस देश की, वही अपने प्रधानमंत्री को गालियां दे रही हैं, चोर बोल रही है, यहाँ तक कि खुलेआम जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, तो आतंकवादी गतिविधियाँ हुई, आपने पूरा वीडियो देखा किस तरीके से इमरान खान को ऐसी सलाहें दी जा रही हैं, बाकायदा जो टॉप 5 एंकर हैं पूरे पाकिस्तान के, उसमें से एक एंकर ये है जिसने शब्द बोले, ऐसे टॉप 5 एंकर में से एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि बाकायदा इमरान खान जो है अब सब धादे पार कर देगा, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए इस्टेब्लिशमेंट के आगे, बाजवा के आगे, अब तो जो है 4 राज्यों में सरकार है, हमला कर दो, इस्लामाबाद घेर लो, ये तो बिल्कुल लग रहा है वो टाइम आ गया कि किले जैसे नहीं घेर लिए जाते थे राजा के और फिर वो फौज पड़ी रहती थी महीने, तो वो लग रहा है समय आ गया कि पूरा इस्लामाबाद घेर लो, चक्का जाम कर दो, ये कर दो, फौज आएगी उसके खिलाफ अपने लाखों लोग लेके जाओ, अपना ये मारकाट मचा दो। कुल मिला के जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान पर आए हैं, कुछ ना कुछ माहौल बनाया जा रहा है कि उसी तरीके से इमरान खान भी अब सत्ता में है। हालांकि क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा, पर इतने बड़े सबसे बड़ी पार्टी देश की ऐसी बातें कर रही है, ऐसे मैसेज दे रही, सबसे बड़े पत्रकारों में से एक इस टाइप की बातें कर रहा है, तो उस देश का क्या बनेगा एक बार को ये आप सोचो। और ये आज की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है इस कौम को बरगलाना, कोई भी एक कहीं से भी नेता उठ करके चला आता है, मुँह अपना पोछ पाछ के चला आता है और अपने आप को बता देता है कि देश के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सोचना भी मत, अभी तक मैंने पिछले 4 साल सरकार संभाली भी, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उसके बारे में सवाल पूछना भी मत, बस क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं
रिलीजन का, मैं मजहब का सबसे बड़ा ठेकेदार हूँ, मैं ही अगला जो है वो खलीफा अपने आप को घोषित करता हूँ, और पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ती है, पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ रही। अब आप देख लो पूरी कौम जो है कोई कोई कुछ बात नहीं हो रही कि इतने सालों में जो 4 साल इसकी सरकार रही क्या गवर्नेंस दी, KPK में दूसरा टर्म चल रहा है इमरान खान पार्टी का, उसने क्या ऐसा डिलीवर किया, कुछ भी नहीं। ये सब देख के तो अपने भारत में लगता है कि जो पार्टियां, जिन पार्टियों से इतना अच्छा वो भी नहीं है, मतलब जिन पार्टियों को अच्छा नहीं समझा था, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबका कोई किसी को अच्छा समझता है किसी को अच्छा नहीं समझता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, पर आप किसी को भी सपोर्ट करते हो एक बार थोड़ा न्यूट्रल होकर के देखना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हों आपको पसंद आती हों चाहे ना आती हों, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, अन्य पड़ोसी देशों में जो जिस तरीके के नेता हैं उससे कहीं ज़्यादा काबिल, हमारे 28 राज्यों में उससे ज़्यादा काबिल नेता हैं, वो जो भी जैसे जिस भी तरीके से सत्ता में बैठे हों, पर जितने भी इस समय सत्ता में बैठे हैं, जितने भी CM उनके अगल बगल वाले हैं, सब सब काबिल ही नज़र आते हैं।